हेलो दोस्तों नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तों यहां पर क्या आरबीआई की एक बड़ी सी न्यूज़ आई है आरबीआई ने क्या कहा है दोस्तों कि आरबीआई ने नॉन एनबीएफसी बैंक में जो फॉरेन इन्वेस्टर रहते थे उनके लिए कुछ एक बड़ा सा प्लान रखा है मतलब एक नए रूल रखे हैं तो उससे क्या हो सकता है दोस्तों एनबीएफसी बैंक के लिए ये सही बात नहीं भी हो सकती है और एक प्रकार से हो भी सकती है मतलब फिफ्टी फिफ्टी है कि एन बी बैंक को क्या अच्छा रहेगा और क्या नुकसान रहेगा इन सभी चीज़ें से क्योंकि आप लोगों को है अब फॉरन इन्वेस्टर तो कितना पैसा डालते थे ठीक है अब उन पर कुछ सख्ती बरपी जाएगी या नए रूल ला पाएंगे तो उससे कम इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर और नॉन एनबीएफसी बैंक का क्या होगा तो ये सभी चीजें अपन डिटेल में जानने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूंगा प्रॉफिट गुरु चैनल पर अगर आप नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एप स्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है आप वहां पर जाकर फ्री में डिमेट अकाउंट ओपन करिए और मेरे साथ निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन में भरपूर ट्रेडिंग करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिए ठीक है तो वो चलिए अपन चलते हैं न्यूज़ के ऊपर तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉम्बर की साइट के ऊपर मैंने आप लोगों को लेके आया हूँ ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर का पूरा एकदम लोगो भी बनाया और यहाँ पर लिखा भी है आर टाइट नॉर्म फॉर द फॉरन इन्वेस्टर इन एन मतलब दोस्तों यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आर ने जो टाइट किए है कुछ रूल्स को ठीक है किसके ऊपर फोरन इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि जो एन में इन्वेस्टमेंट करते थे ठीक है उसको नीचे में अपन डिटेल में जानते हैं जैसे कि जो न्यूज़ है सबसे पहले अपडेट आप लोगों को बता देता हूँ यही आप लोगों को कल का अपडेट देखने को मिलेगा ठीक है उसी बेसिस पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम आर के नाम से जानते हैं ठीक है यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दिया मतलब जो रूल्स है उसको कड़क कर दिए गए हैं किसके ऊपर ऑन स इन्वेस्टर इन नॉन एनबीएफसी फाइनेंस कंपनीज फॉर द कंट्रीज रेट फ्लैग बाय द फाइनेंस एक्शन टेक्स ऑफ फोर्स मतलब जिसे हम एफ ए

फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है ठीक है सबसे पहली बात और वो आएगी कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने यहाँ पर मान लीजिए कोई अच्छा इन्वेस्टर होगा वो आ जाएगा अपने यहाँ पर नॉन एन में इन्वेस्टमेंट करने वो यहाँ पर आके प्लान बिगाड़ेगा प्लान बिगाड़ेगा मतलब वो पैसा कभी भी लाएगा उनकी हालत कभी भी बिगड़ेगी उसकी गवर्नमेंट उसके पास जाएगी तो वो यहाँ पर पैसा कभी भी निकालेगा तो जिससे क्या होगा हमारे लिए यहाँ पर एक प्रकार से क्या हो सकता है या खतरा हो सकता है कि पैसा एकदम से आएगा जब तो सही रहेगा लेकिन एकदम से निकलेगा जब क्या होगा तो ये चीज़ें काफ़ी समझ के चलने के लिए आर ने यहाँ पर रूल को स्ट्रीक कर दिए ठीक है यहाँ पर काफ़ी सोच समझ के रूल को अच्छे से लागू किए एक प्रकार से डिसएडवांटेज भी और एक प्रकार से एडवांटेज भी हम बोल के चल सकते हैं अब देखिए अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों आ, जो आर की साइड है ठीक है उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया यहाँ पर आप देख सकते हो बैंकिंग रेगुलेशन वेबसाइट यहाँ पर जस्टिन आप लोगों को पता है कि जो एफ का जो रूल है वो काफ़ी हाई कर दिया गया और यहाँ पर आप देख सकते हो हाई रिस्क कंट्री और थोज place under a uh, monitorium जो चीजें हैं उसको काफी अच्छी तरीके से पर मेंटेन करके पूरी तरीके से यहां पर नोटिफिकेशन ये रूल को काफी तरीके से लागू कर दिया गया जिससे क्या होगा दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर जो कंट्रीज़ कंट्रीज़ बेकार countries है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेकार है वो कंट्रीज के इन्वेस्टर आके नॉन एनबीएफसी बैंक में काफी कम तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे यहां पर भी वही लिखा है फ्रेश इन्वेस्टर इन इंडिया एनबीएफसी सेक्टर वही लिखा होगा दोस्तों उसका प्रॉपर तरीके से उसी प्रकार का मतलब निकल रहा है अब यहाँ पर वो ये दोस्तों जो आर ने आर ने उनकी लिमिट एबिलिटी इनको सभी तरीके से क्या कर दिया दोस्तों कम कर दिया है तो वो डायरेक्ट आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते एन में क्योंकि पहले पैसा आता था डायरेक्टली और वो इन्वेस्टमेंट कर देते थे और कभी भी निकालते थे लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता था लेकिन ये अब कभी भी आएगी ऐसी कंट्रीज़ के मेम्बर्स कभी भी आके इन्वेस्टमेंट करेंगे कभी भी निकालेंगे तो जिससे हमारे एन सेक्टर के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है अब आप लोगों को तो पता है तो कि एन सेक्टर्स में बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ हैं जो मार्केट में लिस्टेड भी जिनके भी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है तो जिससे क्या हो सकता है दोस्तों उनके शेयर होल्डर के लिए उनके स्टेक होल्डर के लिए सबके यहाँ पर लिए एक रिक्स ज़्यादा हो सकता है जिसके कारण यहाँ पर यह सुझाव सोचा गया और इसको लागू भी किया गया अब देखिए दोस्तों आरबीआई और भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन लाई है जैसे कि फ्रेश इन्वेस्टर फॉर द देश नए इन्वेस्टर है उनको अलॉकेट किया गया है, मतलब पूरी तरीके से बेन नहीं किया गया है है उनके ठीक उनको सिग्निफिकेशन इन किया गया है मतलब उसके एक रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहां पर उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा करना पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं है अब देखिए जितनी भी रेड फ्लैग जैसे आप लोगों को मैंने ऊपर बताया रेड फ्लैग रेड फ्लैग कंट्रीज के नाम यहाँ पर दिए भी है जितने भी कंट्रीज सबके नाम दिए ठीक है सबके नाम देने के बाद सब में से जितना 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 जितना, जितना इन्वेस्टमेंट होगा उनका कितना ट्वेंटी परसेंट ही यहाँ पर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं चाहे वो सब मिलकर करें या चाहे वो एक पर्सन करें इनको इसी प्रकार की गाइडलाइन यूज करना पड़ेगा यहाँ पर भी आप देख सकते हो थेज थे सोल्ड ऑफ ऑफ द बोटिंग पावर इन द एनबीएफसी आरबीआई साइड मतलब ये प्रॉपर तरीके से बता दिया गया है यहां पर कि इतना ही इन्वेस्टमेंट कर पाएगी वो सभी कंट्रिया जो रेट फ्लैग है जिनकी कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन खुद खराब है और वो यहाँ पर दूसरी कंपनियों के दूसरे देश की एन बी एफ सी उनमें इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो ये भी सोच समझ के पूरा आर बी आई का प्लान है कि जो आप मान लीजिए एक इन्वेस्टर रहता है एक इन्वेस्टर बीस परसेंट तक अकेला इन्वेस्टमेंट कर सकता है लेकिन चार जन मिलकर भी कर सकते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक रूल्स लाया गया कि सभी देश की कंट्रिया के इन्वेस्टर मिलकर बीस परसेंट तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते तो इसी प्रकार की चीज़ यहाँ पर पूरी डिटेल्स में दिए दोस्तों अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना तो बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम भी दिए जैसे आप अगर देखेंगे ना घना जर्मनिया ठीक है पाकिस्तान पनामा जिम्बाब्वे ये सभी ऐसी कंपनियां मतलब ऐसे देश है जो जिनकी कंडीशन खुद ही बेकार है और इनके अगर इन्वेस्टर आते हैं तो इनको सबको इकट्ठा होकर ही बीस परसेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा नॉन एन बी एफ सी बैंकों में दोस्तों ठीक है अब आप लोगों को पता है नॉन एन बी एफ सी बैंकिंग में तो आप लोगों का भी पैसा लगा होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस तो अभी वही सेक्टर यहाँ पर दे रहा है हम एक बार उस पर भी नज़र डाल ही लेते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हो निफ़्टी फाइनेंशियल सर्विस जैसे एस तो बैंक में आ जाती है दोस्तों ठीक है और वहीं पर अगर मैं नज़र डालता हूँ जैसे बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर ये नॉन एन में आ जाता है ठीक है और जैसे एस आर टी फाइनेंस ये भी नॉन एन में आ जाता है चोला फाइनेंस एच डी एफ़ सी लाइफ ये सब एस बी आई लाइफ ये सभी कंपनियाँ दोस्तों किस में आ जाती है ये नॉन एन में आ जाती है ठीक है ये एक बैंक नहीं है लेकिन ये एक फाइनेंशियल सर्विस बैंक मान के चल सकते हो जो यहाँ पर लोन फाइनेंस करती है या कोई सा भी लोन हो वो फाइनेंस कर देती है या आप किसी भी चीज़ को इनके रूप से वहां से खरीद सकते हो मतलब का हो सकता है लाइक बाइक कार ये सब तो ये इस प्रकार की बैंक में क्या होगा दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कम से कम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे जो डिटेल्स में आप लोगों को मैंने बता दिया तो जिससे क्या दोस्तों जो एक प्रकार से देखा जा रहा है कि नॉन एनबीएफसी बैंक के लिए एक प्रकार से खतरा भी है और खतरा नहीं भी क्योंकि चीजों को देख के अपने देश की कंडीशन को सोच और समझ के दोस्तों अब मान लीजिए ये ऐसी कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करेगी जिससे काफी इफेक्ट पड़ेगा उन कंपनियों में ठीक है कभी भी पैसा निकले कभी भी पैसा डलेगा इससे क्या होगा दूसरा कोई अच्छा देश आके उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा कोई अच्छे देश का इन्वेस्टर आके उसमें उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा वो थोड़े दिन लेके बैठे भी रहेगा प्रॉफिट भी कमाएगा देखेगा भी फिर निकालेगा तो वहां पर कुछ चीजें बनती भी है लेकिन यहां पर क्या हुआ कभी भी जरूरत पड़ी तो ये एकदम से पैसा निकाल लेंगे धड़ाम से उस कंपनी को नीचे लेके आ जाएंगे तो ये कंडीशन काफी खराब हो जाएगी दोस्तों तो जिसके कारण आरबीआई ने एक प्रकार से सही फैसला लिया है जिसके तहत दोस्तों इस चीजों को लागू होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी वैसे तो हो चुका है लागू एक प्रकार से देखे तो अब वो कब से प्रॉपर पूरी सर्विसेज चालू होती है जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर जब ये रेड फ्लैग वाली कंपनियाँ रहेगी वो कब से इस प्रकार का प्लान यूज करती है दोस्तों ठीक है तो इसी प्रकार का अपडेट था इस प्रकार की न्यूज़ के लिए दोस्तों प्रॉफिट गुरु चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए क्योंकि दोस्तों प्रॉपर तरीके से आप लोगों को अपडेट दिया है ठीक है क्योंकि आप लोगों का पैसा भी नॉन एन बी बैंकों में लगा हुआ है बहुत सारी और जिसके तहत आप लोग भी काफ़ी अच्छी अपडेट अगर लेना चाहते हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि डेली बेसिस पे हम इंट्राडेगे टिप्स एंड मार्केट अपडेट आप लोगों तक तो बिल्कुल लाते रहते हैं तो थैंक यू दोस्तों